क्या क्रिकेटर बनना जायज़ है जबकि वो साथ साथ दीन की दावत पर भी चले? अमीनुर रहमान इंडिया। ये मसला आप दीगर उलमा से भी पूछ लें। मेरी राय के मुताबिक इसलिए दुरुस्त नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमें खेल तमाशों के लिए पैदा नहीं किया। खेल एक वक्ती ज़रूरत के तौर पर तो ठीक है, उसी को पेशा बना लेना इसके जायज़ होने पर कम अज़ कम मुझे इत्मीनान नहीं है, लेकिन इस बारे में आप दूसरे उलमा से भी राब्ता कर सकते हैं। प्रोविडेंट फंड ऑफिस में ऑफिसर के तौर पर काम करना कैसा है? जायज़ है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड पे जो आपको प्रॉफिट मिलता है वो तहकीक के मुताबिक वो सूद नहीं है, लिहाजा उसमें जॉब करना भी जायज़ है। जोहर का टाइम कब तक होता है, असर तक रहता है या पहले ख़त्म हो जाता है? एहसन साहब पूछ रहे हैं साउथ अफ्रीका से। जोहर का टाइम असर तक रहता है, अलबत्ता इसमें एहतियात ये है कि असर जो शाफी वक्त के मुताबिक असर की नमाज है जिसको मिसल अव्वल कहा जाता है, जोहर उससे पहले पहले पढ़ ली जाए, क्योंकि जमहूर के नज़दीक असर का वक्त मिसल अव्वल पे शुरू हो जाता है। तो इसलिए जोहर की नमाज में एहतियात यही है कि आप उसको शाफी वक्त, असर का जो शाफी वक्त है ना, उससे पहले पहले आप जोहर पढ़ लें। मेरे बड़े भाई हैं, इनका एक निकाह हो चुका है, दूसरा निकाह करना चाहते हैं, क्या वो अपनी बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरा निकाह कर सकते हैं? मोहम्मद अदनान अलीगढ़। जी, बीवी की इजाज़त ज़रूरी नहीं है, लेकिन इजाज़त लेके करेंगे, उसको मना के करेंगे तो हालात पे कंट्रोल करना आपके लिए आसान होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।